नमस्कार इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के बड़े खुलासों के बाद भोपाल नगर निगम पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट के मुताबिक भोपाल की वीआईपी रोड पर जिस सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कराया गया है वो नया नहीं बल्कि पुराने बने व्यू पॉइंट पर ही रंगाई पुताई की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल की वीआईपी रोड पर सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया। इस दौरान महापौर आलोक शर्मा सहित नगर निगम भोपाल के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। आलोक जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक सेफ सुरक्षित ये सेल्फी पॉइंट बनाया है। यहाँ सैलानी आएंगे, नागरिकगण आएंगे, भाई बहन आएंगे और मेरी भांजियां मेरे भांजे आएंगे और सेल्फी लेंगे तो ये सुरक्षित भी है और सेल्फी लेकर वो न केवल घूमेंगे बल्कि उन दृश्यों को कैद कर सकेंगे जो उनकी स्मृतियों में बना रहेगा। लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता अजय पाटीदार के मुताबिक जिस व्यू पॉइंट का लोकार्पण सीएम शिवराज से करवाकर नगर निगम वाहवाही लूट रहा है, दरअसल ये व्यू पॉइंट काफी समय पहले का बना हुआ है। इतना ही नहीं, हाल ही में 2 लाख से ज्यादा की राशि खर्च कर इसकी रंगाई पुताई करवाई गई है और इसे नया दिखाने की कोशिश जरूर की गई है। नगर निगम भोपाल के अधिकारियों ने वीआईपी रोड पर व्यू पॉइंट का रंगाई पुताई और रिपेयरिंग का कार्य कराकर मुख्यमंत्री को धोखे में रखकर उनसे पूर्व से बने हुए व्यू पॉइंट का लोकार्पण कराया है। नगर निगम के अधिकारियों ने इसमें भारी अनियमितताएं की है जिससे कि मुख्यमंत्री को भी धोखे में रखा गया। आरटीआई कार्यकर्ता के आरोपों को सच माने तो ये नगर निगम में चल रहे बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। बहरहाल इस व्यू या सेल्फी पॉइंट से नगर निगम भोपाल के भ्रष्टाचारों का नजारा कितना साफ नजर आता है इसकी प्रतिक्रिया जनता ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया फर्स्ट न्यूज।